जब बेस मॉडल ही इतना सुपीरियर हो किसी गाड़ी का तो लोग क्यों लेना चाहेंगे टॉप एंड मॉडल। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में स्कोडा सेलेविया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक है जो हमारा न्यू स्कोडा सेलेविया। हाल फिलहाल में हुई लॉन्च में पता लगा इसके बेस मॉडल में भी इतने सारे फीचर्स हैं जो कि हम आपके लिए ले आए हैं बेस मॉडल की फुली वीडियो कि बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फीचर्स हैं और इंजन स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में कि इस गाड़ी का डायमेंशंस कैसा कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 4541 mm लेंथ, विड्थ 1752 mm विड्थ रहने वाली, हाइट 1507 mm हाइट रहने वाली। व्हील बेस इसका 2651 व्हील बेस होगा। ग्राउंड क्लियरेंस अनलेडन कंडीशन में 180 mm अप्रोक्सीमेटली और अनलेडन कंडीशन में 145 mm ही रह जाएगा। तो हाल फिलहाल में डायमेंशंस तो ठीक ठाक है पर लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस लेडन कंडीशन में थोड़ा मुझे कम लग रहा है। अब देख लेते हैं गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसे कैसे रहने वाले हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो इसमें 1 लीटर का TSI इंजन आपको मिलने वाला है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो 114 bhp 114 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 178 Nm टोर के साथ जो सच में ही पावरफुल है। दोनों ही ट्रांसमिशन में आपको मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में आपको ड्राई क्लच सिंगल प्लेट मिलता है और हाइड्रोडायनेमिक टोर कन्वर्टर आपको ऑटोमेटिक में मिल जाता है। और फ्यूल कंजप्शन की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन 19.47 की एवरेज आपको क्लेम कर देता है जो सच में ही एक सुपीरियर माइलेज मुझे लग रही है एक सेडान के लिए। इक्विपमेंट फीचर की बात कर लेता हूं मैं ब्रेकिंग की तो ESC इसमें आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ABS जैसे फीचर नॉर्मल जो मैंडेटरी हैं वो मिलेंगे। मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग EDS TCS आपको मिल जाएगा। बस मैं जो इससे निराश हूँ तो इसमें हिल होल्ड का फीचर आपको नहीं मिला है। इन्फोटेनमेंट कनेक्टिविटी में सच में ही खुश किया है सेलेविया ने। 17.7 cm का आपको इसमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एप्पल कारप्ले विद एंड्रॉयड ऑटो। इसमें आपको स्कोडा का प्ले एप्स वाला सिस्टम इसमें नहीं मिलता जो टॉप एंड मॉडल में गाड़ियां ऑफर कर रही है, मतलब कि एम्बिशन मॉडल से आपको ये फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आगे बात कर दूं तो TPMS जैसा फीचर आपको मिल जाएगा, मतलब आप गाड़ी की स्क्रीन पर ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रफ रोड पैकेज मिल जाएगा, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉकिंग मिल जाएगा, चाइल्ड प्रूफ रियर विंडो लॉक मिल जाएगा, आइसोफिक सीट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब जिसमें पॉइंट्स इसने काफ़ी अच्छे गेन किए हैं। डोर ओपन इंडिकेटर, एमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाएगा, ड्यूल टोन वार्निंग हॉर्न मिल जाएगा। वो नहीं, ड्यूल टोन वार्निंग हॉर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा, मतलब एमरजेंसी ट्रायंगल तो मिलता ही है खैर सभी गाड़ियों में। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी और भी फीचर्स के बारे में। स्टोरेज आपको इसमें 521 लीटर का मिलेगी जो सच में ही काफ़ी ज़्यादा है। स्टोरेज कंपार्टमेंट इन द फ्रंट एंड रियर डोर्स के कर सकते हो आप। ड्राइवर स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, बोतल होल्डर फ्रंट एंड रियर डोर्स पे मिल जाएगा। बस बाकी है इसमें सेंट्रल रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा जो सच में निराश करने वाली एक चीज़ है। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी नहीं मिलता। अब ये कूल्ड ग्लव बॉक्स तो होना ही चाहिए था 13 लाख रुपये की अगर गाड़ी बंदा लेता है। ऑन रोड तो इसके प्राइस की भी बात आगे आगे करने वाले कि ऑन रोड प्राइस इसका क्या रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं एक सेडान गाड़ी का टायर प्रोफाइल कैसा होगा। अब बेस मॉडल से ये टायर दे देंगे आपको स्टील रिम R15 का विद आपको फुल व्हील कवर भी मिल जाएगा इसमें, मतलब ठीक है। पर मैं ये चाहता था कि अलॉय इसमें मिले तो सच में ही ज़्यादा और स्कोडा सेलेविया की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए अब कोई नहीं, स्टील रिम से ही काम चलाएंगे। पर स्टील रिम इन्होंने एक ठीक किया कि ब्लैक ही दिया, वाइट नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं आगे चल के इसके प्राइस के बारे में। प्राइस स्कोडा सेलेविया के बेस मॉडल का क्या रहने वाला है। देखिए 521 लीटर का बूट स्पेस है जिसमें इतना सारा सामान आप कैरी कर सकते हैं जो सच में ही खूबसूरत चीज़ है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसके एक्टिव मॉडल का बेस मॉडल जो है इसके प्राइस है 10,70,000। इसका बेस मॉडल वो एक शोरूम प्राइस है 10,70,000। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो गुड़गांव में 12,10,000 की आपको ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। अब देखो जो इतने स्पेसिफिकेशन थे वो इतने डिटेल में नहीं बताए जाते वीडियो में, पर लेकिन जो देखते हैं अगर हम रियल में इस गाड़ी को तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी लगती है। फ्रंट से भी आपको सच में ही काफ़ी पसंद आएगी। इसके कंपिटेटर अगर मैं हुंडई वरना और भी काफ़ी सारे चीज़ों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा उनसे आ गए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें।